इस वक्त अपने स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दुख, उदासी और रोता हुआ, वो तस्वीर है हमारे देश के उन पहलवानों का जो हमारे देश को ओलंपिक में मेडल जीत कर लाते हैं और हमारे देश का शान बढ़ाते हैं। लेकिन इस वक्त इनके चेहरे पर, इनके आंखों में आंसू आपको दिखाई देगा। वो आंसू क्यों है, हम आपसे इसके बारे में बात करेंगे और आज आपको बताएंगे कि क्या हमारे देश के ये पहलवान सिर्फ और सिर्फ मेडल जीत कर लाने के लिए हैं, क्या उनकी समस्याओं को नहीं सुना जाएगा, जिस तरह से इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं वो, उनके बारे में नहीं सोचा जाएगा। हमें जब उनसे मेडल लेना होता है और जब वो मेडल जीत कर लाते हैं दूसरे देशों से, अंतर्राष्ट्रीय मंचों से, तब तो हम उनकी वाहवाही करते हैं, लेकिन जैसे ही देश में वो देश के ही समस्या में फंस जाते हैं, देश का ही कोई ऐसा व्यक्ति जब उनको परेशान करने लगता है, तब उसके समस्याओं को क्यों नहीं सुना जाता। जी हाँ दर्शकों, इस वक्त जो जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन चल रहा है, वो प्रदर्शन हमारे देश के पहलवानों के द्वारा है और देश के पहलवानों के चेहरे पर आंसू, देश के पहलवानों की आंखों में आंसू और सिर्फ उदासी है। वो उदासी इसलिए है दर्शकों, क्योंकि महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न, यौन शोषण किया गया है, कोई और नहीं, किसी और के द्वारा नहीं, बल्कि भाजपा के ही सांसद और पूर्व रेसलर, पूर्व पहलवान बृजभूषण शरण सिंह, जो इस वक्त भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं। जी हाँ दर्शकों, ये महिलाएं, ये पहलवान आज से करीब 3 महीने पहले से ही आवाज़ उठा रही हैं, मुखर होकर, कि जो बृजभूषण शरण सिंह हैं वो महिला पहलवानों का यौन शोषण किए हैं, वो भी एक दो नहीं बल्कि हजारों महिलाओं, हजारों पहलवानों के साथ इन्होंने यौन शोषण किया है उनका। लेकिन उनकी बात ना तो सुनी जा रही है। उस वक्त आज से 3 महीने पहले जब ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे जंतर मंतर पर, तब तो इनसे ये बोल करके इनका प्रदर्शन ख़त्म करवा दिया गया कि हम कमेटी बना दिए हैं, जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगा और सज़ा इनको मिलेगा अगर ये दोषी पाए गए तो। लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी ना तो उन पर FIR हुआ, ना तो उनके खिलाफ़ जो कमेटी बनी थी उनके ऊपर कोई कार्रवाई की गई। सुनिए देश के पहलवान क्या कह रहे हैं इस वक्त। शुरू। सभी खाप पंचायतों, बड़े बुजुर्गों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछला धरना किन लोगों की वजह से खराब हुआ है, हमें झांसे में ले लिया गया, तो अभी यही समय है कि आप सब लोग आओ, हमारा समर्थन करो। जिन बेटियों ने इतना बड़ा साहस दिखाकर एक स्ट्रॉन्ग आदमी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की हिम्मत जताई है, तो मेरा बस आपसे यही निवेदन है कि आप सब लोग आओ और हमारा समर्थन करो। तो देखा आपने दर्शकों, ये थी साक्षी मलिक। साक्षी मलिक जो है किस तरह से लोगों से गुहार लगा रही, किस तरह से इनकी आंखों में आंसू है। और अब आप सुनिए जो है विनेश फोगाट की बातें, उन्होंने क्या कहा है। सभी को मेरा नमस्कार। जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमारी सरकार पंचायतें हैं, जो लास्ट टाइम भी धरने पे आए थे हमारा समर्थन देने के लिए, हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारा इतनी इस लड़ाई में हमारी मजबूती से साथ दिया। और हमने जो पास में जो गलतियाँ की, जो हमारे साथ में राजनीति हुई है कुछ लोगों के कारण, हम उसके लिए भी उनसे क्षमा मांगते हैं कि आप लोगों ने इतना साथ दिया, आप लोग इतनी दूर से हमारे को समर्थन देने के लिए आए थे, लेकिन फिर भी हमने जल्दी में वो धरना ख़त्म कर दिया था। हमारे साथ में एक धोखा हुआ है, एक राजनीति हुई है, और हम नहीं चाहते कि हमारे जो आने वाली जो लड़कियाँ हैं जिन्होंने बृजभूषण शरण के खिलाफ में आवाज़ उठाई है, जो उसने शोषण किया हमारी लड़कियों का, तो वो लड़कियों को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर आज उनको इंसाफ नहीं मिला तो कोई भी लड़की जो रेसलिंग में इतना नाम कमाया है, जो लड़कियां इतना बढ़ चढ़ के आज हिस्सा ले रही हैं, वो रेसलिंग जैसे गेम को छोड़ के किसी दूसरे गेम में जाएंगी या बिल्कुल उनके जो फैमिली के लोग हैं उनको कहीं बिल्कुल घर पर ना रख ले, तो उनके भविष्य का भी सवाल है और हमारे आत्मसम्मान की भी लड़ाई है। प्लीज़ हमारे इस भविष्य की लड़ाई में और हमारे आत्मसम्मान की और हमारी कुश्ती की भलाई के लिए प्लीज़ हमारा साथ दीजिए। हम सब कल रात से ही जंतर मंतर पर बैठे हैं
और आप सबके सहयोग और समर्थन की हमें बहुत आवश्यकता है। आप ही के बेटा बेटी हैं, हमसे कोई गलती हुई हो, हमसे कोई भूल हुई हो तो हम तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन प्लीज़ हमारा साथ दीजिए, हमें आपके साथ और सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद। तो सुना आपने कि विनेश फोगाट ने क्या बोला है। ये वही विनेश फोगाट हैं, वही महिला पहलवान हैं जो हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय मंचों से मेडल ला करके, मेडल जीत करके देती हैं। उस वक्त हम और आप काफ़ी खुश होते हैं दर्शकों, लेकिन जब इनका खुद का परेशानी होता है, खुद ऐसी कुछ बड़ी खुलासे करती हैं, तब इनके ऊपर ना तो मेनस्ट्रीम मीडिया का ध्यान जाता ही है और ना ही देश के उन नेताओं का ध्यान जाता है जो कहते हैं कि हमारे देश की महिला पहलवान या हमारे देश के खिलाड़ी हमारे देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। आप सुनिए ये बजरंग पुनिया को। बजरंग पुनिया ये पहलवान हैं, इन्होंने भी देश का काफ़ी मान सम्मान बढ़ाया है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों से मेडल जीत करके अपने देश का गौरव सम्मान बढ़ाया है। इनका सुनिए ये क्या कह रहे हैं। सभी को नमस्कार। कुश्ती मिट्टी से जुड़ा हुआ गेम है और हम भी गांव की मिट्टी से ही खेल के यहाँ तक आए हैं, तो मैं अपने सभी जो हमारे गांव के लोग हैं उन सबसे अपील करता हूँ, क्योंकि किसान परिवार के हम सभी, तो आप सभी हमारे साथ आइए। इस न्याय की लड़ाई में आप लोगों की हमें जरूरत है, हमें न्याय दिलाने में अपना सहयोग दीजिए। धन्यवाद। तो दर्शकों सुना आपने, ये है बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया ये पहलवान हैं अपने देश के, भारत के पहलवान हैं, और ये दूसरे देशों में जा कर के अंतर्राष्ट्रीय मंचों से अपने देश के लिए मेडल लाते हैं। लेकिन आज ये खिलाड़ी आरोप लगा रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर कि ये महिलाओं का, महिला पहलवानों का यौन शोषण करते हैं। यौन शोषण का मतलब ये होता है दर्शकों, उनके साथ गलत व्यवहार करना, उनके साथ हैरेसमेंट करना, ये सब चीज़ें होता है। ये आरोप लगा रही हैं ये महिला पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया जैसे तमाम ऐसे न जाने कितने सैकड़ों पहलवान हैं जो आरोप लगा रहे हैं दर्शकों। लेकिन जब ये लोग अंतर्राष्ट्रीय मंचों से मेडल जीत करके लाते हैं, ये पहलवान लाती हैं, तब प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे इनके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। देखिए प्रधानमंत्री जी किस तरह से फ़ोटो खिंचवाते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। लेकिन आज जब बीजेपी के ही सांसद, बीजेपी के ही नेता के ऊपर जब ये लोग आरोप लगा रही हैं कि इन्होंने ऐसा किया, 1000 महिलाओं के साथ महिलाओं का इन्होंने यौन शोषण किया, तब बीजेपी का कोई भी नेता, ना ही प्रधानमंत्री मोदी जी इस पर कोई बात कर रहे हैं। गलीमत तो ये अच्छी बात है, गलीमत ये रही कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर याचिका दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने अब दिल्ली पुलिस को सीधा नोटिस भेजा है। दिल्ली पुलिस को सीधा नोटिस भेज करके इनके ऊपर FIR दर्ज करवाने के सीधे आदेश दिल्ली पुलिस को दिए हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। सर्वोच्च न्यायालय का बहुत बहुत बारंबार मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने कम से कम इस देश में कानून, संविधान को कम से कम जिंदा रखा है। दर्शकों मैं आपको बता दूँ, इस वक्त इन पहलवानों के साथ कोई भी नहीं खड़ा है, चाहे कोई भी नेता हो। जब ये पहलवान अंतर्राष्ट्रीय मंचों से मेडल जीत करके लाती हैं तब तो इनकी वाहवाही होती है, और जब ये पहलवान खुद किसी बड़े विपदा में फंस जाती हैं या फंस जाते हैं तब इनके साथ कोई खड़ा हुआ नहीं दिखाई दे रहा। इतना बड़ा जिस तरह से इन्होंने आरोप लगाया है, इतना बड़ा खुलासा किया है, जिस तरह से इन्होंने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर, इसके बाद तो कम से कम इनके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए, लेकिन FIR तक अभी तक नहीं दर्ज हुआ। कितने शर्मनाक बात है ना, हमारे देश के ही उन पहलवानों का शोषण किया जा रहा है जो पहलवान हमारे देश को गौरवान्वित करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों से जाकर के गोल्ड मेडल जीत कर लाते हैं। कितना शर्म की बात है ना साहब, जो पहलवान हमारे देश का मान सम्मान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बढ़ाते हैं उन्हीं पहलवानों के आँख में आज आंसू है। वही पहलवान आज
खुले आसमान के नीचे जंतर मंतर पर रात को पूरा टाइम बिता रहे हैं, पूरी रात वहीं सो रहे हैं। खुले आसमान के नीचे अगर कल को कुछ इन खिलाड़ियों का हो जाए, इनको कुछ हो गया, तो जवाबदेही किसकी होगी? सबसे बड़ा मेरा सवाल ये है, क्या हमारे देश के इन पहलवानों का, इन खिलाड़ियों का, इन रेसलर्स का कोई इज्जत नहीं है? क्या हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ एक नेता, एक सांसद का ही बोलबाला है? क्या हमारे देश में उन पहलवानों का कोई इज्जत नहीं जो हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर? मोदी जी, हम आपसे कहना चाहेंगे, आप प्रधानमंत्री हैं, कम से कम आपको तो इस मामले में प्रतिक्रिया देना चाहिए। आप जिस तरह से यही पहलवान जब गोल्ड मेडल लाते हैं, कोई भी मेडल जीत कर लाते हैं, तब तो आप इनकी वाहवाही करते हैं, तब आप इनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। लेकिन जब आज यही पहलवान आपके ही सांसद के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो आप भी नहीं बोल रहे हैं। मोदी जी, आपको तो कम से कम बोलना चाहिए और बोलना होगा आपको, क्योंकि आपके ही सांसद के ऊपर जिस तरह से ये पहलवान आरोप लगा रही हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है और ये सोचने वाली बात है, और इसको, इसकी जांच होनी चाहिए। और जिस तरह से ये पहलवान कह रहे हैं कि अभी तक हमारा FIR तक नहीं दर्ज किया गया, क्या ये ऐसा होना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल है मेरा। दिल्ली पुलिस ने आखिरकार ऐसा इनके ऊपर, ब्रिजभूषण शरण के ऊपर अभी तक FIR क्यों नहीं दर्ज किया? क्या ये सांसद हैं तो इनके ऊपर FIR दर्ज नहीं होगा? सबसे बड़ा मेरा सवाल यही है। क्या आज हमारे देश में उन खिलाड़ियों का कोई इज्जत नहीं है जो हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाते हैं? क्या हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ सांसद विधायकों का ही बोलबाला रहेगा जिनके ऊपर इतना गंभीर आरोप लगाया जा रहा है? अभी तक प्रधानमंत्री जी, आपने इनको, इनसे सवाल क्यों नहीं पूछा है? अभी तक आपकी कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई है? दर्शकों, आपको क्या लगता है, क्या भाजपा अपने सांसद का बचाव कर रही है? क्या भाजपा अपने सांसद का बचाव इसलिए कर रही है क्योंकि उनके पार्टी का सांसद है? क्या कोई दूसरे पार्टी का सांसद होता तो भाजपा उनका, उन पर भी चुप्पी साधी रहती, या प्रधानमंत्री उस मामले पर भी चुप्पी साधे रहते? आपको क्या लगता है, आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताइएगा दर्शकों। लेकिन हम आपको बता दें दर्शकों, अब इन पहलवानों के साथ बहुत सारे लोग आ चुके हैं, बहुत सारी मीडिया भी अब आ चुकी है। भले ही मेन स्ट्रीम मीडिया भी इनका साथ नहीं दे रही, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इनके साथ हैं, और हमें उम्मीद है कि इन पहलवानों को न्याय ज़रूर मिलेगा। और आपसे यही गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करिए, ताकि इन खिलाड़ियों को, हमारे देश के इन विभूतियों को, हमारे देश के इन जो है गोल्ड मेडल जीतने वाले पहलवानों को न्याय मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।